दोस्तों हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है आज हम आपको लड्डू गोपाल के लिए ये डांगरी सेट बनाना बताएंगे इसे बनाना बहुत ही इजी है अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं ये हमने तीन नंबर लड्डू गोपाल को बना के बताया है और इसमें हमने साइड चार्ट भी बताया है एक से दस नंबर तक के लिए इसलिए वीडियो को पूरा देखें स्किप ना करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं की ड्रेस बनाने के लिए हमने ये दो कलर की ऊन ली है रेड और व्हाइट ये लिटिल एंजल करके है ये नॉर्मल वूल से थोड़ी सी पतली है और हमने ये दस नंबर सलाई ली है अब हम दस नंबर सलाई में व्हाइट कलर की ऊन से फंदे डालेंगे तो फंदे हमें सादा ही डालने हैं इस तरह से हम सलाई को पैर में फंसाएंगे जिससे कि दोनों हाथ हमारे फ्री रहे इसमें अभी हम इसको ऐसे रखेंगे और इस तरह से फंदे डालेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए हम आपको इसमें तेरह फंदे डाल के दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है मैं इसमें तेरह फंदे डाल लिए हैं अब हम इसमें तीन सलाई उल्टी बुनेंगे इस तरह से और ये जो धागा है उसको भी इसके साथ लगाते जाएंगे ये ज़्यादा लंबा है तो इसको हम कट कर देंगे इस धागे को हमें तीन चार फंदों तक लगाना है उसके बाद हम इसको कट कर देंगे ये इसकी पहली सिलाई है अभी इसमें हम एक सिलाई उल्टी और बुनेंगे और तीसरी सिलाई में हम ऊन चेंज करेंगे जीरो और एक दो नंबर में हमें एक एक सलाई उल्टी बनानी है और उसी में ऊन चेंज करनी है तीन चार पाँच छः सात नंबर में हमें दो सलाई उल्टी बनानी है तीसरी सलाई में ऊन चेंज करनी है आठ नौ दस में हमें पाँच चार सलाई उल्टी बुनेंगे और पाँचवीं सलाई में हम ऊन चेंज करेंगे तो चलिए उनके दिखाते हैं ये इसकी पहली सलाई है अभी हम एक सलाई उल्टी और बुनाए बुनेंगे फिर उसके बाद बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है में हमने दो सलाई उल्टी उल्टी बना ली है अब हम तीसरी सिलाई पर हैं ये इसकी उल्टी सिलाई है और इसमें अब हम ये रेड कलर की ऊन लगाएंगे इस तरह से और ये धागा भी इसी में हम ऐसे लगाते जाएंगे इस तरह से चलिए ये सिलाई बुन के दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है इसमें हमने तीन सलाई उल्टी बना ली है, चौथी सलाई पर हैं तो अब हम इसमें जाली बनाएंगे तो पहला फंदा हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे दो फंदों पे जाली बनानी है जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपने तरफ रखते हैं एक जाली फिर से धागा अपने तरफ किया दूसरी जाली अब हम एक फंदा फिर से उल्टा बुनेंगे उल्टा बुनेंगे तो धागा अपनी तरफ रखेंगे ये फंदा उल्टा बुना फिर एक जाली फिर से धागा अपने तरफ किया दूसरी जाली अब फिर से फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उल्टा और फिर से जाली बनाएंगे एक जाली और धागा अपने तरफ किया दूसरी जाली फिर से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से और फिर से जाली बनाएंगे तो एक जाली फिर से धागा अपने तरफ किया दूसरी जाली लास्ट का फंदा हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है अब हम यहाँ ऊन चेंज करेंगे उल्टी तरफ से हमें ऊन चेंज भी करनी है अब हम व्हाइट कलर की ऊन लगाएंगे और इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना दी है सीधे तरफ है तो दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे अब क्योंकि एक फंदा जाली का बढ़ गया है एक फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा दो फंदों पे जाली बनाएंगे देखिए किसी ने पूछा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जाली बनानी है तो देखिए इधर पे हमें स्पेस दिख रहा है इधर कोई फंदा नहीं है इधर स्पेस है तो यहाँ जाली बनेगी धागा तरफ करेंगे एक जाली और फिर से धागा अपनी तरफ किया दूसरी जाली अब तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक दो तीन तीन फंदे उल्टे बुने फिर से जाली है तो धागा अपने तरफ रखेंगे एक जाली फिर से धागा अपने तरफ किया दूसरी जाली और फिर से मैं हमने दो जाली बना ली हैं अब धागा अपने तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो और तीन तीन फंदे उल्टे बुने अब धागा अपने तरफ किया फिर से दो जाली बनाएंगे हम एक जाली और फिर से धागा अपने तरफ करेंगे दूसरी जाली अब तीन फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे एक दो तीन तीन फंदे उल्टे बुने अब फिर से हम दो जाली बनाएंगे एक जाली और ये दूसरी जाली दो फंदे हमें उल्टे बुनने हैं इस तरह से अब उल्टी सलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है और धागा चेंज करेंगे उल्टी तरफ से हमें ऊन भी चेंज करनी है और उल्टी तरफ से इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनना है तो अब हम रेड कलर की ऊन लगाएंगे और ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है अब हम इसके सीधे तरफ है अभी इसमें हमने दो जाली बनाई है अभी हमें दो जाली और बनानी है तो दो अब हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन क्योंकि एक फंदा जाली का बढ़ गया है अब दो फंदों पे जाली बनाएंगे तो एक जाली और फिर से धागा अपने तरफ करेंगे दूसरी जाली अब पांच फंदे हमें उल्टे बुनने हैं धागा अपने तरफ करेंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे उल्टे बुने देखिए ये जाली है समझ में आ रहा है देखिए तो अब हम जाली बनाएंगे एक जाली फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे दूसरी जाली अब पांच फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे उल्टे बुने फिर से दो जाली बनाएंगे एक जाली फिर से धागा अपनी तरफ किया दूसरी जाली दो जाली हमने बना ली है, फिर से पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच पांच फंदे हमने उल्टे बनाए दो फंदों पर फिर से जाली बनाएंगे जाली बनाते हैं तो धागा अपने तरफ रखते हैं और एक जाली फिर से धागा अपने तरफ किया दूसरी जाली अब तीन फंदे हमें उल्टे बनाने हैं एक दो तीन उल्टे तरफ से पूरी सलाई हमें उल्टी बनानी है और हमें वाइट कलर की ऊन लगानी है चलिए ये सिलाई भी बना के दिखाते हैं सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है इसमें देखिए तीन जाली बन गई हैं एक दो तीन अब हम ये चौथी जाली बनाएंगे तो इसमें अब हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे क्योंकि एक एक फंदा हर सिलाई में जाली का बढ़ जाता है एक दो तीन चार चार फंदे हमने उल्टे बुने Osionfish. अब हम दो फंदों पे जाली बनाएंगे तो एक जाली फिर से धागा अपने तरफ करेंगे दूसरी जाली अब हम इसमें सात फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात सात फंदे उल्टे बुने दो फंदों पे जाली बनाएंगे एक जाली फिर से धागा अपने तरफ करेंगे दूसरी जाली फिर से सात फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ और सात सात फंदे उल्टे बुने फिर से जाली बनाएंगे एक जाली और धागा आपने तरफ किया दूसरी जाली अब इसमें फिर से सात फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात सात फंदे उल्टे बुने दो दो फंदों पे जाली बनाएंगे तो एक जाली फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे दूसरी जाली अब ये चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और चार अब उल्टी सलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है और यहाँ पे भी हम अब ऊन चेंज करेंगे की सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है देखिए इसमें ये हमने चार जाली बनाई है ये, एक दो तीन और एक ये चार ये साइज चार्ट है एक नंबर में हमने तेरह फंदे डाले हैं और ये जो डिजिट है ये फंदे हैं और जो डॉट डॉट है वो जाली है तो एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर जाली एक फंदा उल्टा बुना दो फंदों पे जाली एक फंदा उल्टा बुना दो फंदों पे जाली एक फंदा उल्टा बुना दो फंदों पे जाली एक फंदा उल्टा बुना फिर दो फंदे उल्टे दो फंदों पे जाली तीन फंदे उल्टे दो फंदों पे जाली तीन फंदे उल्टे दो फंदों पे जाली तीन फंदे उल्टे दो फंदों पे जाली और दो फंदे उल्टे इतना बुनने के बाद हमें मिलेंगे ट्वेंटी नाइन फंदे यानी कि उनतीस फंदे उसके बाद हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे और ये सात फंदे घटाएंगे बाजू के फिर सात फंदे हम पीठ के बुनेंगे और सात फंदे बाजू के फिर से घटाएंगे और चार फंदे हम ये फ्रंट के बुनेंगे ऐसे ही हमें इन सब में करना है हमने तीन नंबर के लिए बनाया है तो देखिए सेम है इसमें हमें पैंतालीस फंदे मिले हैं अब हम छह फंदे घटाएंगे छह फंदे बुनेंगे ग्यारह फंदे घटाएंगे फिर ग्यारह फंदे बैक के बुनेंगे ग्यारह फंदे बाजू के घटाएंगे और फिर छह फंदे हम फ्रंट के बुनेंगे अगर आप एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस नंबर तक हमने इसमें साइज चार्ट बनाया है अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं सेम आप इसी तरह से बनाइए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस बनेगी अब हम इसके फंदे घटाएंगे छह फंदे हमें उल्टे बुनने हैं एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदे उल्टे बुने अब ग्यारह फंदे हमें घटाने हैं तो ऐसे दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे एक फिर जो फंदा आया उसको इसमें लेंगे फिर से बुनेंगे दो फिर इसको इसमें लेंगे तीन चार पाँच सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ग्यारह फंदे हमने ये घटा दिए हैं अब ग्यारह हम पीठ के बुनेंगे उल्टा ही उल्टा बुनना है दो तीन ये तीन फंदे हो गए हैं पीठ के चार पाँच छ एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह ग्यारह फंदे हमने पीठ के बुने हैं अब ग्यारह फंदे हम फिर से घटाएंगे ऐसे दो फंदों को एक साथ बुनेंगे एक फिर जो फंदा आया इसमें लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दस और ग्यारह ग्यारह फंदे हमने ये घटा दिए हैं अब छह फंदे हम ये फ्रंट के बुनेंगे दो तीन चार पाँच और छ इस तरह से देखिए ये हमारी बाजू निकल आई है ये अब हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे तो चलिए बुन के दिखाते हैं फिर बताएंगे कि हमने इसमें कितनी सलाई बुनी है इसे हमने इतना बुन लिया है इसमें देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच लाइनें हैं तो दस सलाई बुनी है और ग्यारहवीं सिलाई हमने ये बुनी है अब हम बारहवीं सिलाई पर हैं जितने फंदे हमने बैक में रखे हैं यहाँ हमने ग्यारह फंदे बैक में रखे थे तो ग्यारह सलाई बुनी है आप चार नंबर में बारह फंदे बैक में रखेंगे तो बारह सलाई बुनेंगे उसके बाद हम फंदे आधे करेंगे किसी भी साइज में आप जितने भी फंदे बैक में रखें उतनी ही सलाई हमें यहाँ पे बुननी है अब हम फंदे आदि करेंगे एक दो तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस इसमें तेज़ फंदे हैं इसमें एक फंदा एक्स्ट्रा है तो इस फंदे को हम इसके साथ बुन देंगे अभी ये फंदे बराबर हो गए हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह 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 फंदे हो गए हैं अब हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे पहले हम इस साइड बुनेंगे बाद में इस साइड बुनेंगे इधर अब हम ये व्हाइट कलर की ऊन लगाएंगे उल्टे तरफ से इसको ऐसे ही उल्टा, उल्टा उल्टा बुनेंगे ग्यारह ग्यारह फंदे हमें बुनने हैं इसे हमने इतना बुन लिया है जितने भी सलाई हमने इधर बुनी हैं उनकी आधी सलाई हमें इधर बुननी है तो इसमें हमने छः सलाई बुन ली हैं अब सातवीं सिलाई पर फंदे घटाएंगे, क्योंकि हमने ग्यारह सलाई बुनी थी तो ग्यारह का आधा क्या होता है साढ़े पाँच साढ़े पाँच तो इसमें कुछ नहीं होगा तो हमने छः सलाई बुन ली हैं अब हम इसके फंदे घटाएंगे ऐसे दो फंदों को एक साथ बुनेंगे फिर जो फंदा आएगा उसे इसके साथ लेके फिर से इसे बुनेंगे इस तरह है हम ये फंदे घटा देंगे इसे हमने देखिए इतना बना लिया है ऐसे ही हम इस साइड भी बनाएंगे इसे हमने इतना बना लिया है अब हम इसमें फ्रिल के लिए फंदे उठाएंगे तो फंदे हमें यहाँ से उठाने हैं ये जहां से हमने ये व्हाइट कलर की ऊन लगाई है तो ये जो फंदा दिख रहा है उसमें हम इस तरह से फिर फंदे उठाएंगे इसको ऐसे करेंगे इस तरह से निकालेंगे फिर जो बगल वाला फंदा है उसमें करेंगे इस तरह से इस तरह से सभी फंदों में हमें फंदे उठाने हैं फंदे उठाना बहुत ही इजी है इस तरह से हम फंदे उठाएंगे चलिए तो हम आपको इसमें फंदे उठा के दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है इसमें देखिए हमने फंदे उठा लिए हैं अब पहली सलाई हम ऐसे सीधी सीधी बुनेंगे इस तरह से चलिए ये सिलाई हम बुन के दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है हमने एक सिलाई सीधी बना ली है अब हम इधर से सभी फंदों पर फंदे बढ़ाएंगे पहला फंदा हम ऐसे ही बुनेंगे अब इन फंदों पे फंदे बढ़ाने हैं सभी फंदों पे हम जाली बनाएंगे जाली में एक फंदा बढ़ता है इस तरह से जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपने तरफ रखते हैं इस तरह से फिर धागा अपने तरफ किया फिर इस फंदे को बुनेंगे फिर धागा अपने तरफ करेंगे फिर इस फंदे को बुनेंगे इसी तरह हमें सभी फंदों पर जाली बनानी है जिससे कि एक एक फंदा सभी फंदों में बढ़ जाएगा ये सारे फंदे डबल हो जाएंगे चलिए तो ये सिलाई हम बुन के दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है सभी फंदों पर हमने जाली बना दी है अब हम इधर से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। सभी फंदों को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे तो चलिए बुन के दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है ये सलाई भी हमने पूरी उल्टी उल्टी बना ली है अब हम इसमें दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो अब इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे इसे निकालेंगे नहीं धागा ऐसे अपने तरफ करेंगे और इसी फंदे को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे फिर से दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक दो और अब इस वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे सीधा बुना लेकिन ये फंदा सिलाई से हम खिसकाएंगे नहीं और धागा फिर हम अपने तरफ करेंगे और इसी फंदे को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे एक फंदे को हमें दो बार बुनना है दो फंदे उल्टे बुनने हैं फिर एक फंदे को हम इस तरह सीधा बुनेंगे धागा अपने तरफ करके इसी फंदे को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे ये सिलाई भी हमने बना ली है दो फंदे उल्टे बुने हैं फिर एक फंदे को हमने दो बार बुना है फिर दो फंदे उल्टे बुने हैं फिर एक फंदे को दो बार बुना है इस तरह हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है अब हम अगली सिलाई पर हैं तो यहाँ से ऐसे पूरा ऐसे ही हम उल्टा उल्टा बुनेंगे मैं हमने उल्टी सिलाई भी बना ली है अब हम इसके फंदे घटाएंगे, तो दो फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे फिर से दो फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह हमें ये सारे फंदे घटाने हैं चलिए तो हम आपको फंदे घटा के बताते हैं इसके हमने फंदे घटा दिए हैं ये इस तरह से इसमें फ्रिल बन गई है अब हम कैप बनाएंगे तो कैप के लिए इसमें हमने सोलह फंदे डाले थे और बारह सलाई बुनी है अब ये धागा कट किया है ये थोड़ा बड़ा ही काटेंगे जिससे कि हम ये सभी फंदे इसी धागे में ऐसे उतारें इस तरह से उतारेंगे ये सभी फंदे हमने इसमें उतार लिए हैं अब इसको ऐसे हम उल्टा करेंगे और फिर से ये धागा इन्हीं फंदों में से निकालेंगे इधर अब इसको हम ऐसे रख के इधर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। में हमने सिलाई लगा ली है अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसमें अब हम पॉम पॉम लगाएंगे ये इस तरह से ये कैप हमने बना ली है इसमें ये पॉम पॉम लगा दिया है अब हमको ये ड्रेस सिलना बताएंगे इसको हम इस तरह से रखेंगे ये दोनों फ्रिल ऐसे नीचे करेंगे और इधर से इधर तक हम सिलाई लगाएंगे ऐसे फ्रिल में हमें सिलाई नहीं लगानी है इस तरह से चलिए सिल्की दिखाते हैं इसमें हमने ये देखिए इधर तक सिलाई लगाई है पूरी नहीं लगाई है अब इसको ऐसे रखेंगे और अब हम इधर सिलाई लगाएंगे इस तरह से देखिए हमने ये सिलाई लगा दी है अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे सुंदर सी ड्रेस हमारी बन गई है फ्रिल वाली डांगरी कैप कैप है कैप का साइज चार्ट हम आपको बताते हैं जीरो नंबर में बारह फंदे डालकर सात सलाई बुननी है एक नंबर में चौदह फंदे डालकर आठ सलाई बुननी है दो नंबर में सोलह फंदे डालकर दस सलाई बुननी है तीन नंबर में अठारह फंदे डालकर बारह सिलाई बुननी है चार नंबर में बाईस फंदे डालकर चौदह सिलाई बुननी है पांच नंबर में पच्चीस फंदे डालकर सोलह सिलाई बुननी है छह नंबर में अट्ठाईस फंदे डालकर अठारह सिलाई बुननी है सात नंबर में बत्तीस फंदे डालकर बीस सिलाई बुननी है आठ नंबर में छत्तीस फंदे डालकर चौबीस सिलाई बुननी है नौ नंबर में चालीस फंदे डालकर तीस सिलाई बुननी है और दस नंबर में पैंतालीस फंदे डालकर छत्तीस सिलाई बुननी है अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं एक बार फिर से दिखाते हैं ये एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर के लिए है पांच नंबर और छह नंबर के लिए है ये सात नंबर आठ नंबर नौ नंबर और दस नंबर के लिए है अभी हम आपको पहना के दिखाते हैं ये हमने तीन नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है ये चार को भी आराम से आ जाएगी तो सबसे पहले हम इस तरह इसमें पैर डालेंगे फिर बाजू डालेंगे इस तरह से ये देखिए कैप लगाएंगे देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें थैंक यू